हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करने और एक्साइटिंग वीडियो में। तो ये है आस्क पीसी एपिसोड 28, आई गेस 28। तो आज मैंने थोड़ा अलग रखा है और आज का क्यू एन ए आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आज है हेटर्स एडिशन। बहुत सारे हेटफुल कमेंट्स आते हैं और डू नोट दैट मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो मुझे कुछ सजेशन देते हैं, फीडबैक देते हैं। उन्हें मैं हमेशा फॉलो करता हूँ और अपनी वीडियोस को सुधारने की कोशिश करता हूँ। बट यहाँ पे मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, कितना भी कोशिश कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी अच्छी अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल लो, वो लोग फिर भी तुम्हें गाली देंगे देंगे। तो ये है हेटफुल एडिशन, मतलब हेटर्स एडिशन क्यू एन ए। स्टार्ट करते हैं। मोस्ट वायरल का कमेंट है, यू आर फेक। मतलब ये उस वीडियो पे कमेंट आया जो मैंने डाली थी कि आप किस तरीके से लीगली पेड ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि रिवॉर्ड वाला सिस्टम था। अब उसमें मैंने क्या फेक बताया है, और भाई की डीपी देखो, अमित बढ़ाना की डीपी है, कौन फेक है सबको पता चल रहा है भाई। यू आर फेक, खुद अमित बढ़ाना की डीपी लगा रखी और मुझे फेक बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ज्ञान इंडिया का, तुझे तो रखना ही नहीं चाहिए यूट्यूब में, बेकार पब्लिसिटी, भाग साले। भाई तुम कुछ उखाड़ो YouTube में, हम भी देखें, हम भी कमेंट करेंगे, बढ़िया वीडियो, बेस्ट वीडियो, ज्ञान इंडिया, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है Vivo V9 वाले वीडियो पे जो मैंने वीडियो पोस्ट करी थी, थंबनेल तेरे जैसा बकवास थी। थंबनेल में मैंने क्या बकवास लिखा है, थंबनेल एक बार ध्यान से देखो, सिंपल लिखा हुआ है मैंने Vivo V9 नॉच वाला फ़ोन। क्या उस फ़ोन में नॉच नहीं है, क्या वो फ़ोन नॉच वाला नहीं है, तो क्या बकवास है। और मैंने फ़ोन को ऐसे पकड़ा हुआ है, सिंपली ऐसे पकड़ा हुआ है थंबनेल में। क्लिकबेट वाले थंबनेल पसंद आएंगे तुम्हें, जब साइड में होगा कोई और फोन और लिखा होगा Vivo V9, वही थंबनेल पसंद आते हैं तुम्हें। नेक्स्ट है यहाँ पे यू आर माइन ओनली ब्लेस्ड। चैनल का नाम तो बहुत बढ़िया है बट कमेंट शायद उतना बढ़िया नहीं है। कमेंट है, टोटली रॉन्ग, फर्स्ट यूज दैट फोन विच इज इन योर हैंड, दैट इज डमी। तो यह है iPhone 5s वाली वीडियो पे कमेंट जो मैंने बोला था iPhone 5s 2018 में मत खरीदो बिल्कुल भी। तो इन भाई ने बोला है टोटली रॉन्ग, द फोन यू आर यूजिंग विच इज डमी, वो फोन डमी नहीं है, वो फोन एक्चुअल फोन है पहली बात तो। सेकेंड चीज है यहाँ पे, हेयर इज एसी एंड इट्स बीस्ट, स्मॉल पैक एंड बिगर धमाका। बीस्ट फोन था लेकिन 2017 तक, 18 में बहुत से और कॉम्पिटिटर आ गए हैं तो वो फ़ोन मतलब ही नहीं बनता लेने का। सेकंड चीज़, 128 GB स्टोरेज है और 30,000 का फ़ोन है। भाई कौन सी दुनिया में जी रहे हो, कब है वो फ़ोन 30,000 का, जब लॉन्च हुआ था तब था वो फ़ोन 30,000 का, उसके बाद प्राइस थोड़े से गिर गया, बट इस टाइम वो फ़ोन 16,000 रुपये का मिल रहा है। अमेजोन पर चेक करो, 16,000 रुपये का फ़ोन है वो, 30,000 रुपये उसकी वैल्यू ही नहीं है। डबल ए फिल्म्स बोलते हैं, अपना चैनल मुझे दे दो, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती भाई ऐसे कमेंट्स करते करते, सच में नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्निकल अमिंस, ये बोल रहे हैं बेकार ट्रिक है भाई। ये कमेंट है उस वाली वीडियो पे जो मैंने रिसेंटली पोस्ट करी थी कि 5 अमेजिंग कैमरा ट्रिक्स टू क्लिक अमेजिंग फोटोज, बेकार ट्रिक्स है भाई। अब भाई ये बता दो मुझे कौन सी ट्रिक पसंद नहीं आई, मैं उसको इम्प्रूव करूंगा। अगर मैंने ट्रिक में कुछ गलती से गलत बता दिया हो कि वो ट्रिक आप नहीं कर पा रहे हो, आपसे हो नहीं रही, ट्रिक इम्पॉसिबल है, ट्रिक को कर ही नहीं सकते, तो मैं अपनी गलती मानता हूँ, हाँ ठीक है मैंने गलती से बता दिया वो ट्रिक इम्पॉसिबल है, बट ट्रिक सारी काम कर दी है तो भाई बेकार ट्रिक्स क्यों बेकार ट्रिक्स, आप किस बेसिस पे बेकार ट्रिक्स बोल रहे हैं। आपको नहीं पसंद आई तो ठीक है, बट अब क्या ही बोलूँ। सुशांत खत्री बोल रहे हैं, I don't need a launcher, I want to run PUBG। और ये कमेंट कौन सी वीडियो पे, मैं बताऊँ, ये कमेंट है Android Oreo launcher वाली वीडियो पे। अब वो वीडियो ही लॉन्चर के ऊपर है पूरी, Android Oreo आप में से बहुत लोगों ने देखी होगी, जब Android Oreo आया था तो मैंने बताया था उसका लॉन्चर कैसे डालें। अब भाई बोल रहे हैं I don't need a launcher, I want to run PUBG। तो भाई PUBG वाली वीडियोज देखो ना, मैंने PUBG की वीडियो ही नहीं बनाई है, वो बनाई वीडियो मैंने लॉन्चर के ऊपर है, तो उसमें आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वीडियो का थंबनेल कुछ और है, टाइटल कुछ और है और अंदर पबजी दिखेगा, ऐसा नहीं है भाई। मैं क्लिकबेट नहीं करता, बाहर अगर लॉन्चर लिखा है तो वीडियो भी लॉन्चर के ऊपर ही है, पबजी क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो, और कर भी रहे हो तो फिर ये घटिया घटिया कमेंट क्यों कर रहे हो, समझ नहीं आता। नेक्स्ट कमेंट है सुजल वर्मा का, पढ़ सकते हो कमेंट, ये इन्हीं लोगों की मैं बात कर रहा था, मतलब कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, बंदे के एफर्ट्स नहीं दिखते इन्हें किसी को भी, बस उन्हें नीचे गिराना है कैसे भी करके, मतलब खुद तो वहां तक पहुंच नहीं सकते, दूसरे को पैर उसका खींच के नीचे गिराना है, और ये लोग पैर नहीं खींचते, सीधा गला पकड़ते हैं, गला पकड़ के नीचे उसको धकेलते हैं। हाँ, आई गेस आज के लिए बहुत ज्यादा हेटफुल कमेंट्स हो गए, और अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफी नहीं मांग रहा हूँ, अपनी आदतें सुधारो, सच में सुधारो,
और मेरे प्यारे प्यारे सपोर्टर्स तो मेरे को सपोर्ट करते ही रहते हैं, वो सपोर्टर्स नहीं है वो फैमिली मेंबर्स हैं यार, और हेटर्स को मैं फैमिली मेंबर नहीं मानता सच में। अगर आप हेटर हो और चैनल सब्सक्राइब कर रखा है सिर्फ मुझे गाली देने के लिए, तो मुझे ऐसे सब्सक्राइबर्स की जरूरत ही नहीं है, प्लीज़ अनसब्सक्राइब कर दो। बाकी जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस तरह की अमेजिंग वीडियोज आती रहेंगी। और नेक्स्ट वीक से नॉर्मल Q&A होगा, तो अपने जो भी क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करो #AskPC लगा के। मेरा नाम है प्रिंस, मिलता हूँ एक नया एक्साइटिंग वीडियो में। बाय बाय, लव यू गाइज़।